नमस्कार दोस्तों, टेक युक्ति में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताने वाला हूँ जिसके हेल्प से आप अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम बना सकते हैं। और अगर आप इस वीडियो का पोस्ट पढ़ना चाहते हैं तो आप प्लीज़ www.techyukti.com पे जाएं और वहाँ पे आपको सबसे पहला पोस्ट मिलेगा, हाउ टू बिल्ड ओन ऑपरेटिंग सिस्टम, अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे बनाएं। तो मैं ये वीडियो शुरू करने से पहले आपसे कहना चाहूँगा, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके साइड में दिए गए घंटे को बजाना मत भूलें, क्योंकि उससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहता है। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक ऐसे ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के बारे में बताने वाला हूँ जिसके हेल्प से हम विंडोज, लिनक्स, मैक ओएस की तरह अपना खुद का ओएस क्रिएट कर सकते हैं और उसे अपने पीसी में इंस्टॉल कर सकते हैं और उसे पेनड्राइव में या सीडी में बंद कर सकते हैं। तो यह बहुत ही अच्छा ट्रिक है और बहुत ही इजी है, इसे कोई भी कर सकता है, चाहे उसको कोडिंग आती हो चाहे ना आती हो। उसको बस इंटरनेट चलाना आना चाहिए और थोड़ा इंग्लिश का नॉलेज होना चाहिए जिससे उन्हें समझ में आ जाए कि ये चीज़, ये फंक्शन किस लिए है और इससे क्या होगा। तो अगर आपको इतना नॉलेज है तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको जाना होगा, एक वेबसाइट है जिसका नाम है SUSE स्टूडियो और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको सर्च करने में प्रॉब्लम हो रहा तो लिंक पे क्लिक करके डायरेक्ट यहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो इस वेबसाइट पे जाने के बाद आपको यहाँ पे देखिए लिखा है साइन इन और क्रिएट एन अकाउंट, यहाँ पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने 6 ऑप्शन मिलेंगे जिसके द्वारा आप डायरेक्ट साइन इन कर सकते हैं, गूगल, याहू, ट्विटर और फेसबुक। मैं यहाँ से फेसबुक पे लॉगिन करता हूँ, आप भी ऐसे कर लीजिए, गूगल या फेसबुक से किसी से भी आप लॉगिन कर लीजिए। यहाँ पे क्लिक करिए फेसबुक पे। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे क्रिएट करते हैं। आपको सिंपल जाना होगा, देखिए क्रिएट न्यू अप्लायंस में क्लिक करना होगा। यहाँ पे क्लिक, जैसे ही आप क्रिएट न्यू अप्लायंस पे क्लिक करेंगे आपके सामने बहुत से मतलब ओएस के टेम्पलेट, मतलब एक ओएस का आर्किटेक्चर, जैसे आपने देखा होगा अगर आपके पास ब्लॉग है तो आपने देखा होगा कि इंटरनेट पे बहुत से ब्लॉग के टेम्पलेट मिल जाते हैं बने बनाए, जिन्हें हम अपने ब्लॉग पे इंस्टॉल करके और डायरेक्ट हम उन्हें यूज कर सकते हैं। उसी तरह इसके ओएस के टेम्पलेट हैं, तो यहाँ पे कोई भी आप एक सेलेक्ट कर सकते हैं टेम्पलेट। यहाँ पे देखिए मैंने सेलेक्ट किया जस्ट इनफ ओएस, इसे यहाँ पे सेलेक्ट किया। यहाँ पे देखिए इसका दिखा रहा है आर्किटेक्चर है 64 बिट का। यहाँ पे नेम ऑफ अप्लायंसेस, मतलब आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम दिखा रहा है। आप इसे बाद में भी चेंज कर सकते हैं अगर चाहें तो, लिखा है दिस कैन बी चेंज लेटर, इसे बाद में भी चेंज किया जा सकता है। तो यहाँ पे आप क्रिएट अप्लायंसेस पे क्लिक करिए। यहाँ आप देखिए आपका डैशबोर्ड ओपन होके आ गया है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऊपर आपको, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको ऊपर 4-5 ऑप्शन दिखाई देंगे, सॉफ्टवेयर है, कॉन्फ़िगरेशन है और मतलब बिल्ड है, इस तरह के ऑप्शन दिखा देंगे। इन्हीं सभी ऑप्शंस को आपको फॉलो करके अपना सॉफ्टवेयर क्रिएट करना है, यानी अपना ओएस बनाना है। देखिए यहाँ पे लिखा है सॉफ्टवेयर, कॉन्फ़िगरेशन, फाइल, बिल्ड, शेयर। तो ये 4-5 स्टेप है जिन्हें स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके आप अपना ओएस क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे सॉफ्टवेयर पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे देखिए सॉफ्टवेयर पे क्लिक किया, देखिए यहाँ पे देखिए सॉफ्टवेयर में आप वो सारे सॉफ्टवेयर ड्राइवर मिलेंगे जो ओएस में प्री बिल्ड इंस्टॉल होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा विंडोज में पहले से कुछ गेम, कुछ सॉफ्टवेयर ड्राइवर इंस्टॉल आते हैं, उसी तरह आपको अपने ओएस में भी लगा सकते हैं कि मतलब ये सॉफ्टवेयर या ये ड्राइवर पहले से ही मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम में रहेगा और जैसे कोई इंस्टॉल करेगा तो उसे ये सारे फीचर्स मिल जाएंगे। तो इसी तरह ये है, अगर आपको इसमें से कुछ भी इंस्टॉल करना है, जैसे कि सपोज यहाँ से गेम इंस्टॉल करना है तो गेम पे आप क्लिक करिए। जैसे आप गेम पे क्लिक करेंगे आपके सामने सभी गेम्स के लिस्ट आपको दिखाने लगेगा, जो उसके 3-3-5 गेम्स हैं सब देखिए यहाँ पे दिखाने लगा। आप यहाँ पे ऐड पे क्लिक करके जिस गेम को चाहें उस गेम को अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में ऐड कर सकते हैं और जब बाद में इंस्टॉल करेंगे तो यह प्री बिल्ड गेम मिल जाएगा जहाँ पे भी इंस्टॉल करेंगे। इसी तरह आप यहाँ से देखिए, यहाँ से नेटवर्किंग के सॉफ्टवेयर, मल्टीमीडिया के सॉफ्टवेयर, ग्राफिक्स के, सर्वर के, टेक्स्ट के, सिस्टम के, सभी तरह के आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे विंडोज की तरह ऑफिस के भी सॉफ्टवेयर हैं तो उसको भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, तो यहाँ से आप अपने कोई भी जो आपके आवश्यकता अनुसार अपने इंस्टॉल कर लीजिए। उसके बाद आप जाइए कॉन्फ़िगरेशन में। कॉन्फ़िगरेशन में देखिए आपको टोटल 7 पॉइंट्स मिलते हैं जिनको आपको स्टेप बाय स्टेप सबको सेट करना होता है। पहला होता है जर्नल। जर्नल में क्या होता है, जर्नल में आपको मतलब अपने ओएस के लिए लैंग्वेज सेलेक्ट करना होगा, ओएस का जो मेन लैंग्वेज रहेगा किस में शो करेगा। जैसे विंडोज इंग्लिश है तो उसी तरह ये इंग्लिश सेलेक्ट करना है, जर्मन, फ्रेंच, बहुत तरह के लैंग्वेज है तो मैं यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से टाइम जोन सेलेक्ट कर सकते हैं, जो टाइम जोन है जैसे कि हर जगह के टाइम जोन होते हैं, देखिए यहाँ पे इंडिया का भी टाइम जोन होगा तो सबसे सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से देखिए अपने, अगर आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में फायरवॉल का फीचर्स लगाना चाहते हैं तो इसको इनेबल कर दीजिए। यहाँ से इनेबल करेंगे तो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में फायरवॉल का फीचर ऐड हो जाएगा, जैसे कि विंडोज में रहता है। जो देखिए यहाँ पे लिखा है एरर, फायरवॉल इज इनेबल बट नॉट इंस्टॉल, मतलब जो
यह इनेबल किया गया है, लेकिन सॉफ्टवेयर से इसका जो ड्राइवर है वो इंस्टॉल नहीं किया गया। तो जब आप वहाँ से इंस्टॉल करेंगे तब यह रन नहीं आएगा। जो मैंने सॉफ्टवेयर में बताया था वहाँ से जाके सारे जो ड्राइवर्स हैं उनको इंस्टॉल करना पड़ेगा पहले आपको। यहाँ पे देखिए पर्सनलाइज में आपको जाना है। पर्सनलाइज में देखिए आप देखेंगे कि विंडोज़ या लिनक्स में जब हम स्टार्ट करते हैं ओएस को तो हमें विंडोज़ का लोगो लिनक्स का लोगो दिखता है। उसी तरह आप अपना खुद का लोगो लगा सकते हैं। यहाँ से देखिए अपलोड न्यू लोगो पे क्लिक करके आप लोगो अपलोड कर सकते हैं अपने कंप्यूटर से। उसके बाद देखिए यहाँ पे चौथा पॉइंट जो तीसरा पॉइंट मिलता है वो आपको मिलता है स्टार्ट का। स्टार्ट में आपको कुछ नहीं करना है। हाँ, इसको मैं जहाँ तक जानता हूँ जैसे है वैसे रहना देना है, या अगर आप चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे यूजर सपोर्ट है, मतलब आप मल्टी यूजर अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को बना रहे हैं या सिंगल यूजर बना रहे हैं। देखिए यहाँ पे देखिए सिंगल यूजर मल्टी यूजर दिया है, तो यहाँ पे आप नॉर्मल कंसोल करिए। उसके बाद सर्वर, सर्वर जो होता है देखिए आपको सर्वर मतलब डेटाबेस क्रिएट करता है। एक्चुअली डेटाबेस के मेंटेनेंस के लिए ही सर्वर का यूज किया जाता है। तो अगर आप सर्वर का यूज करना चाहते हैं, जैसे कि दो तरह का सर्वर दिया गया है, मारिया डीबी या पोस्ट जीआरई एसक्यूएल, आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। आप इसमें से एक क्लिक कर लीजिए मारिया डीबी का, ये आसान है थोड़ा। यहाँ से आपको उसका फाइल अपलोड करना पड़ेगा। यूज देखिए क्या होता है ओएस में, आपको हर तरह की चीज़ें अपलोड करनी पड़ेंगी। मतलब जिस तरह से आप बना रहे हैं, आपकी क्रिएटिविटी है, आपके ओएस में क्या क्या रहे, तो वो सारे फीचर्स आपको अपलोड करने पड़ेंगे। जैसे कि अब अगर आप विंडोज में कोई फाइल लिखते हैं, टेक्स्ट का यूज़ करते हैं, तो वो टेक्स्ट कहीं ना कहीं सेव होता है, तो उसका एक डेटाबेस क्रिएट होता है ओएस में, विंडोज ओएस में जाके वहाँ पे सेव होता है। तो इसी तरह आपको अपना डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा। नॉर्मली छोड़ दीजिए या ड्राइवर पीछे इंस्टॉल करके इस प्रॉब्लम से आप दूर हट सकते हैं, ये आपके लिए आसान है। डेस्कटॉप में जाके आपको क्या करना होगा, डेस्कटॉप में जाके बस आप ये इनेबल करना होगा कि आप अपने अपने ओएस में लॉगिन सिस्टम देना चाहते हैं कि नहीं। अगर देना चाहते हैं तो इनेबल कर दीजिए, नहीं देना चाहते हैं तो कोई बात। हम बिल्ड में क्या करना है, देखिए आप किस तरह से बर्न करना चाहते हैं अपने ओएस को, आईओएस से फाइल में बर्न करना चाहते हैं या यूएसबी में बर्न करना चाहते हैं, या वीएमवेयर वर्क स्टेशन एक होता है जिसमें हम मतलब अपने विंडोज में अगर वीएमवेयर को इंस्टॉल कर लेते हैं तो उसके अंदर हम कोई ओएस इंस्टॉल कर सकते हैं, या उस तरह से बर्न करना चाहते हैं। वर्चुअल बॉक्स के बारे में शायद आप सभी ने सुना ही होगा, जिसमें हम एंड्रॉयड इंस्टॉल करते थे पहले। तो यहाँ से आप सिंपल आईएसओ फाइल सेलेक्ट कर लीजिए, सीडी लाइव आईएसओ, इस ऑपरेटिंग सिस्टम का आईएसओ फाइल बनेगा। यहाँ से जैसे बिल्ड पे क्लिक करेंगे तो ये स्टार्टिंग होना शुरू हो जाएगा, और उसके बाद ये कुछ समय लगेगा पूरा कॉन्फ़िगर होने में। उसके बाद जब ये कॉन्फ़िगर हो जाएगा उसके बाद आप यहाँ से नीचे से देखिए यहाँ पे लिखा है प्लीज़ वेट इनिशियलाइजिंग, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं पूरे को जब ये पूरा तरह से फेच और कॉन्फ़िगर हो जाएगा। तो यह बहुत ही अच्छा ट्रिक है, और इसके हेल्प से आप अपना मतलब इन पूरी तरह से ओएस नहीं, लेकिन एक ओएस का अनुभव कर सकते हैं कि ओएस में क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं, ओएस कैसे बनाते हैं और ओएस में क्या फीचर्स होते हैं। तो आप उस तरह से बना सकते हैं, और एक बहुत ही अच्छा ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है जिसके हेल्प से हम ओएस क्रिएट कर सकते हैं। और इसमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला, मैंने बहुत कुछ सीखा इसमें कि ओएस में बहुत सारी चीज़ें जैसे कि नहीं पता होती हैं। बहुत लोगों को डीएससीपी या नेटवर्क के बारे में, सर्वर के बारे में नहीं पता होता, तो इससे हेल्प से वो सीख सकते हैं कि उसका काम क्या है। और ये बहुत अच्छा है अपनी क्रिएटिविटी को दिखाने के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।